मोहतरम नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, जिसमें कुछ लोग ताश खेल रहे हैं। जिस जगह ये मौजूद हैं, वो जगह भी आपने पहचान ली होगी और सबसे आखिर में कि ये लोग कौन हैं, ये भी आपने पहचान लिया होगा। क्या करने गए हैं और क्या कर रहे हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। खैर, मैं आपको बताऊँ तो ये लोग मक्का की सरजमीन पर है और हज या उमरा करने मुकद्दस जगह मक्का शरीफ में आए हैं, मगर इन जाहिलों के कारनामे तो देखिए, उस पाक सरजमीन पर हराम काम कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और अपना वक्त गुजार रहे हैं। सबसे पहली बात, इनको ऐसा करने के लिए किसी ने रोका नहीं। इन्हें ताश के साथ एंट्री किसने दे दी, इन्हें किसने परमिशन दी कि ये उस पाक जगह पर ऐसा गुनाह का काम करें जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा, जहां मेरे आका के कदम मुबारक पड़े। सऊदी हुकूमत अंधी हो गई है क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने इनको नहीं देखा और इनसे ताश नहीं छीने? मुझे लगता है कि ये लोग सऊदी के ही हैं और उमरा या हज पर हैं, इतने अच्छे काम के लिए गए हैं मगर ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। अरे ओ जाहिलो, शर्म करो, तौबा करो, बाज आ जाओ। तुमने दीन का मजाक बनाकर रख दिया है। फलस्तीन तड़प रहा है, गाजा में मासूम शहीद हो रहे हैं और सऊदी है कि अय्याशियों में लगा हुआ है। उसे किसी बात की परवाह नहीं, उसे ये नहीं दिख रहा है कि गाजा फलस्तीन में क्या हो रहा है। उसे तो सिर्फ अय्याशियों से मतलब है और दौलत के नशे में चूर है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। याद रखो, अल्लाह के हुजूर जब पेश होगे तो क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे अपने रब से कि उधर इसराइल फलस्तीन के साथ जुल्म कर रहा था, इधर सऊदी में लोग ताश खेल रहे थे, नाच रहे थे, शराब पी रहे थे और तुम खामोश थे, तुम तमाशाई बने सब कुछ देख रहे थे। दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर अपनी क्या राय पेश करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली किसी नई वायरल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।